मैं 19,000 में से 6-7,000 रुपए माइनस कर दूं तो एक तरीके से मान के चलो आपको इस बाइक से इस बाइक पे अपग्रेड करने के लिए, ऊपर से भाई आगे को फेस्टिव सीजन आ रहा है, नवरात्र आ रहे, तो आप लोग भी न्यू बाइक लेने का प्लान कर रहे होगे, तो आपके लिए एक ऐसी बढ़िया सी वीडियो बनाना मेरा काम था, तो मैंने कहा फटाफट से आप लोगों के लिए लेके आ जाते हैं ब्लॉग। आज आप लोगों के साथ मैं एक बेहतरीन कंपैरिजन लेके आऊं इन दो बाइक के अंदर। अब आप में से काफी सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार प्रीत भाई क्या उल्लू बना रहे हो, दोनों सेम टू सेम तो है, इसका भी कलर ऐसा, इसका भी कलर ऐसा, इसके भी अलग ऐसे, उसके भी अलग ऐसे, मतलब खामों का बिना मतलब हमें उल्लू बनाए पड़े हो। अरे नहीं भाई, मैं नहीं बना रहा उल्लू, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ऐसा, ये ऐसा यामाहा कर रही है हमारे साथ। अब यामाहा ने एक आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा अपडेट निकाल दिया है, मे बी मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो डाली होगी जिस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि क्या कुछ नया आया है, बट एक बार यहाँ पे मैंने ऐसा सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए कि इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं कि हाँ भाई यामाहा ने क्या कुछ नया दिया है। तो पहले भाई जो ये वाला वेरिएंट आया करता था लगभग शायद कॉस्ट करता था 232,400 233,000 रुपए, अब जो नई वाली आने वाली है वो कॉस्ट कर रही है 252,000 रुपए के आसपास, लगभग मान के चलो तो 18,000 से 20,000 रुपए का प्राइस बढ़ा है। पर इन 18,000 से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने के बाद यामाहा आपको क्या दे रहा है और क्या उस कॉस्ट की जो है वर्थ आ रही है नहीं आ रही है, ये आज वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा, तो वीडियो एंड तक देखते रहना। तो नंबर वन चीज की बात करते हैं भाई, इनके अंदर चेंजेस क्या है, और ऊपर से भाई आगे को फेस्टिव सीजन आ रहा है, नवरात्र आ रहे हैं, तो आप लोग भी न्यू बाइक लेने का प्लान कर रहे होगे, तो आपके लिए एक ऐसी बढ़िया सी वीडियो बनाना मेरा काम था, तो मैंने कहा फटाफट से आप लोगों के लिए लेके आ जाते हैं। सो इन दोनों बाइकों को अगर आप लोग यहाँ पे सामने से देखोगे तो सामने से देखने के बाद ये बता पाना मुश्किल है कि कौन सा वाला वेरिएंट इसके अंदर न्यू अपडेटेड है, कौन सा वाला इसके अंदर ओल्ड वेरिएंट है जो पहले से कंटिन्यू हो रहा था। बट अगर डिफरेंस की बात करी जाए जो मेन आपको सबसे बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा वो आपको ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। तो कैमरामैन फोकस करें। सो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी आपके बटन्स के कंट्रोल है पहले आपको ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जिसमें 1, 2, 3 बटन आया करते थे, एंड यहाँ पे जो हजार्ड का बटन है वो यहाँ ना होकर इधर हुआ करता था। एंड अगर इधर देखोगे तो आप लोगों का जो किल स्विच है ये आपको इंटीग्रेटेड देखने के लिए मिलेगा, सेल्फ का बटन यहाँ पे नहीं हुआ करता था, ये ओल्ड वाले वेरियंट के अंदर की बात है। एंड एक चीज़ और बता देता हूँ, TFT स्क्रीन तो आप लोगों को सेम देखने के लिए मिलेगी, बट इसके जो मेन्यू बार है उसके अंदर आपको एंटर करने के लिए इस बटन को ऐसे होल्ड करके रखना पड़ता था, और फिर जैसे आप इसको छोड़ते थे तो आप इसके अंदर एंटर हो जाते थे, और बैक करने का यहाँ किसी भी तरीके का कोई बटन नहीं हुआ करता था, और अगर आपको बैक करना होता था तो ऐसे नीचे आके ऐसे बैक होता था। बट इसी चीज़ को यामाहा ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करते हुए इस चीज़ को थोड़ा सा ईजी बनाते हुए क्या करा है, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है वही चेंज कर दिया है। अगर आप देखो चाबी ऑन करोगे तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों का जो साइड का मॉड्यूल है ये आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपका हैजार्ड का बटन इधर इंटीग्रेट कर दिया है यहाँ से हटा के। सेकंडली ये बटन जो है आप लोग देखोगे ये इसके अंदर 4 बटन ऐड हो गए हैं, पहले मतलब ये सिर्फ ऐसे 3 हुआ करते थे, अब ये 4 हो गए हैं, डिजाइन चेंज कर दिया। पर इसके अंदर एक चीज मैं आपके लिए चेक कर लेता हूँ, इल्यूमिनेटेड लाइट अभी भी नहीं आई है इसके अंदर, इल्यूमिनेटेड लाइट देखने के लिए नहीं मिलेगी। हाँ, पर इन बटन्स को जब आप ऐसे प्रेस करोगे तो अब आप लोगों के लिए जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो इजी हो गई हैं, यहाँ से आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, कॉल वॉल आएगा तो नाम लिखा आएगा, पहले यहाँ पे सिर्फ एक ब्लिंक करा करता छोटा सा, तो वो चीज़ इन्होंने अच्छी कर दिया। और इसके अंदर जो जितना एक्सेस करना था ये देखो, अगर आप इसके अंदर अब जैसे मेन्यू में एक्सेस करोगे, ये आपने मेन्यू में एक्सेस करा, निकलने के लिए अब आपको ऐसे करके ना बैक का बटन नहीं ढूंढना पड़ेगा, अब बैक के बटन से भी निकल सकते हो पर आपको बैक तक जाने की जरूरत नहीं, सीधे ये बटन दबाओ, सीधा आप जहाँ पे भी हो जिस भी जगह पे हो बाहर आ सकते हो। कहीं ना कहीं जो कन्वीनियंस है उसको एनहांस करा है, और जो आपकी मोबाइल फोन कनेक्टिविटी है उस चीज़ के ऊपर भी यामाहा वालों ने अच्छा काम करा है। सबसे पहला बड़ा और जो मेजर अपडेट है वो यही रहने वाला है कि इसकी जो यूनिट है ये पूरी की पूरी साइड की चेंज कर दी है, कन्वीनियंस का ध्यान रखा है और प्रैक्टिकल बनाई है। और जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को कहा जाता था आज तक, हमने भी कई बार बोला है कि यामाहा ने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो दे रखी है बट इतनी प्रैक्टिकलिटी नहीं है, तो इसके अंदर जो प्रैक्टिकलिटी है वो ऐड हो चुकी है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे ये ओल्ड वाले R15 के अंदर, यहाँ पे आप लोगों को ना देखो किल स्विच जो है वो इंटीग्रेटेड देखने के लिए मिलता था, ये बंद हो गया, ये चालू हो गया, यहाँ पे ऐसे स्टार्ट हो जाती थी, यहाँ पे सेल्फ का बटन नहीं आया करता था नीचे की तरफ देखोगे तो। अब भाई ये चीज़ इन्होंने पता नहीं क्यों पुराने मॉडल जैसी कर दी है, इसके अंदर न्यू वाली में ये किल स्विच है और सेल्फ का बटन यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब भाई इस चीज़ के पीछे मेरे को पर्सनली थोड़ा सा ना लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि यामाहा ने ये चीज़ क्यों करी है। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो ये देखने में ज़्यादा प्रीमियम लगता है, ज़्यादा बढ़िया लगता है। मे भी हो सकता है कि ऐसा, मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे पक्का नहीं पता, मतलब कंफर्म नहीं पता। आप में से जो लोग यामाहा R15M को ओन करते हो या फिर आप में से जो भी लोगों ने मतलब इसको एक्सपीरियंस करा है, 1-2 साल रखी है, वो लोग बताओ कि क्या इस बटन का जो फीडबैक है वो ख़राब है या फिर इसमें प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, कुछ ऐसा है जिस वजह से यामाहा ने इसको हटा के वापसी बैक टू स्टॉक कर दिया, पहले जैसा कर दिया, या क्या है क्या नहीं है वो चीज़ मैं नहीं जानता हूँ, वो चीज़ आप लोग ओन करने वाले बता सकते हो। हालांकि मैं V3 ओन करता था तो V3 के अंदर वैसा ही सिस्टम हुआ करता था, किल स्विच अलग, सेल्फ अलग, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। और इसके अंदर इन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों करा है, क्यों नहीं करा है, आई डोंट नो व्हाई, ये चीज़ यामाहा ने इसके अंदर बदल दी है।
नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो एक छोटा सा माइनर सा अपडेट है पर देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। अगर आप पीछे देखोगे तो इसके अंदर लाइसेंस प्लेट की जो लाइट है वो आपको येलो देखने के लिए मिलती है, बट वहीं पे अगर मैं आप लोगों के लिए इसकी लाइट दिखाऊंगा एलईडी देखने के लिए मिल जाती है। ये एक मोटर डिफरेंस है, उसमें आपकी पीली वाली है, इसके अंदर येलो वाली है, ठीक है जी। ये इसके अंदर एक डिफरेंस हो गया है। अब आप में तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्रीत भाई बस यही डिफरेंस है, क्या हम इसी के लिए अलग से 18-20 हज़ार रुपये यामाहा को एक्स्ट्रा देंगे? तो मैं आपके उन पैसों की भी थोड़ी सी वर्थ निकलवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यामाहा ने उस चीज़ का भी आप लोगों के लिए ध्यान रखा है। आप जैसे 18-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो उसमें से लगभग 7 हज़ार रुपये की या 6 हज़ार रुपये की जो एक्सेसरीज है या फिर जो मतलब आप कह सकते हो जो प्राइस वैल्यू है, मतलब ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट की आपको एक्सेसरीज यामाहा की तरफ से गिफ्ट में फ्री में मिलने वाली है अगर आप ये न्यू वाली परचेज करते हो। एंड उसी के साथ इसके अंदर एक कार्बन फाइबर वाला कलर आया है जो देखने में बहुत अमेजिंग है, नेक्स्ट लेवल लग रहा है, मतलब कि R15 नेक्स्ट लेवल की लगने वाली है। वो चीज़ आपको इसके साथ देखने के लिए मिलेगी जो आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करोगे। तो नंबर वन चीज़ तो आप लोगों को अगर आप इसे परचेज करते हो तो आपको इसके साथ ये यामाहा की तरफ से आने वाला ब्लूटूथ मिल जाएगा। ये डिवाइस आप अपने मोबाइल पर लगा सकते हो, इसके अंदर ब्लूटूथ भी है, यहाँ से आप लोग वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो। एंड ये आपका माइक हो गया जहाँ से आप किसी की कॉल वॉल आएगी कॉल अटेंड करोगे। एंड ये छोटे छोटे से स्पीकर्स हैं जो आप लोग अपने हेलमेट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और उसी हेलमेट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो जो आपको इस बाइक के साथ फ्री मिलने वाला है। इस बाइक के साथ आप लोगों को ISI मार्क वाला स्टील बड का एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट मिलेगा एंड लगभग 3,500 रुपये की आइटम मिलेगी और मान के चलो कम से कम 2,500 रुपये का आपको वो हेलमेट भी रहेगा। तो मोटा मोटी अगर मान के चलो तो 5,000-7,000 रुपये का आप लोगों को जो एक्सेसरीज है वो इस बाइक के साथ फ्री मिल जाएगी। तो अगर मैं 19,000 में से 6,000-7,000 रुपये माइनस कर दूँ तो एक तरीके से मान के चलो आपको इस बाइक से इस बाइक पर अपग्रेड करने के लिए 12,000-13,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं। नया कलर मिल जाएगा, नई चीज़ें मिल जाएंगी, 2-3 एक्सेसरीज मिल जाएगी। तो अब आप लोग बताओ कि क्या ये बाइक थोड़ा वैल्यू फॉर मनी है या फिर एक्सपेंसिव साइड है या फिर आप इसको लोगे नहीं लोगे, क्या है क्या नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस बात को देखा जाए तो यामाहा ने थोड़ी चीज़ें नई दी हैं, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है, ज़रूर बढ़ा है, उस बात में किसी भी तरीके की दो राय नहीं है। पर हाँ ये है कि एक दो जो एक्सेसरीज दे रहे हैं लेने वाले कस्टमर को ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ भाई मैं इस चीज़ के ऊपर जो पैसा डाल रहा हूँ कुछ ना कुछ मुझे उसकी वर्थ मिल रही है। अब आप लोग खुद कमेंट डाउन करके बताओ कि आप लोगों को इसको परचेस करना है नहीं करना है, और हाँ आप कौन सा कलर लोगे, कार्बन फाइबर वाला लोगे या फिर ये वाला लोगे। मेरे से अगर पूछा जाए तो मैं कार्बन फाइबर वाले के फेवर में रहूंगा और इस कलर में और कार्बन फाइबर वाले कलर में किसी भी तरीके का कोई प्राइस डिफरेंस नहीं है, प्राइस दोनों का सेम रहने वाला है, ठीक है जी। और शोरूम की डिटेल आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग कॉल कर सकते हो, पता कर सकते हो। आपको जिस भी किसी बाइक को परचेस करना है आप लोग यामाहा के शोरूम पर आके विजिट कर सकते हो। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।